गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए अकाउंटेंसी की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ना है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, आज ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार एक चैप्टर हमने किया था जिसमें हमने जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था, जिसे हम शॉर्ट में गैप के नाम से जानते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एक बार मैं उसको फटाफट बता दूं हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि उसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली हमने वो अजम्पशंस या प्रैक्टिसेस जानी थी जो कि एक अकाउंटेंट अपने माइंड में रखता है जब भी वो अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अगर मतलब देखें हम, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली ऐसे रूल्स, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस है जो कि अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त ध्यान में रखनी पड़ती है। अब सबसे पहली चीज तो आपके माइंड में यही डाउट आई होगी कि सर फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है। कुछ कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी तो वही थे कि कौन कौन से रूल्स, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं जो कि माइंड में रखनी जरूरी है। सिमिलरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कुछ कुछ वैसे ही है। बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, उसके फीचर्स में पढ़े था हमने, यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो थे, जो कॉन्सेप्ट थे, कन्वेंशन थे, उनमें अगर अकाउंटेंट चाहे तो अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत चेंज कर सकता था अपनी जरूरत के हिसाब से, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज नहीं किया जा सकता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिजिड होते हैं, फिक्स्ड रूल्स हैं, परमानेंट रूल्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। पहले ये क्लैरिटी करनी जरूरी थी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जब बात करते हैं तो वर्ड यहाँ पे आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है, देखिए हमने किसी भी चीज का स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि ये स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है या ये स्टैंडर्ड से कम है ज्यादा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है किसी चीज को फिक्स कर देना। अब फिक्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है रूल्स एंड गाइडलाइंस। सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब अकाउंट से ही है, अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए जरूरी होती है। अच्छा, दूसरी चीज, दीज आर द रिटन स्टेटमेंट, यानी कि ये लिखित रूप में अवेलेबल है हमारे पास, किसी ने ऐसे ओरली नहीं बताया कि अकाउंट को इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। ये रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मेन मकसद क्या है इनका, मेन मकसद है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। देखिए जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो उसमें क्या कमी थी, उसमें कमी ये कह सकते थे हम कि उसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा थी। अकाउंटेंट अपनी मर्जी से क्योंकि चेंजेस कर सकता है चीजों में, तो उसमें कंपैरिजन करना फिर मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी इन्वेंट्री को मेजर करने के दो अलग अलग मेथड्स हैं। अब मान लीजिए एक बार तो अकाउंटेंट ने दूसरा मेथड फॉलो कर लिया, एक बार किसी और अकाउंटेंट ने दूसरा कर दिया, उसी अकाउंटेंट ने अगली बार दूसरा मेथड फॉलो कर लिया, तो दोनों बार उसका कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे रूल है जो कि यूनिफॉर्म होते हैं, यानी कि हर जगह एज इट इज फॉलो होंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते। सो इसमें यूनिफॉर्मिटी आती है, एक जैसी चीजें आती हैं तो कंपैरिजन करना आसान होता है। अब इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की करते हैं, इसको हम इसके फीचर्स के तौर पर भी ले सकते हैं। पहली चीज तो रिटर्न स्टेटमेंट है, दूसरी चीज रिटर्न स्टेटमेंट है तो लेकिन है क्या, रूल्स एंड गाइडलाइंस है। किस चीज के रूल्स एंड गाइडलाइंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि इट कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल लॉज ऑफ द कंट्री, यानी कि अगर कोई कंट्री का रूल है उसको ओवरराइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते। इसका मतलब मान लीजिए हमारी कंपनी, हमारी देश में कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो होता है, एक कंपनीज एक्ट है जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में जिक्र किया था। वो कंपनीज एक्ट बताता है कि स्पेसिफिक किस किस तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर होने चाहिए। अगर कंपनीज एक्ट कहता है कि अकाउंट को मान लीजिए इस फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस चीज को गलत साबित नहीं कर सकता, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये नहीं कह सकता कि इसके विपरीत इसको तैयार करो। सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जितने भी रूल्स हैं हमारी कंट्रीज के, लॉज हैं, उनको ओवरराइड नहीं कर सकता, उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, उनके अकॉर्डिंग ही फॉलो किए जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि बेसिक लॉज है, रूल्स हैं,
जो तैयार अकाउंट तैयार करते तो ध्यान की रखे जाते हैं। जैसे ना बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, हम आगे जब पढ़ेंगे तो कई अकाउंट्स को बनाते वक्त उससे पहले पढ़ते हैं कि इस अकाउंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनाया जाएगा, इस अकाउंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से बनाया जाएगा। इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में जो रूल्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। जैसे हम लोग कई बार मूवीज में देखते हैं तो जब कोई वकील होता है या कोई पुलिस वाला होता है, वो बताता है ना कि आपके ऊपर इस धारा के तहत ये केस लगाया जाता है, तो ऐसे ही अकाउंट्स में स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चीजें होती है कि भाई स्टैंडर्ड के तहत ये काम किया जाएगा, इस स्टैंडर्ड के तहत इस तरीके से काम किया जाएगा। बेसिक मतलब आपको होपफुली क्लियर हो गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अगला पॉइंट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अगर एक नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछ ले तो आप सिंपल बताएंगे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो हमने डिस्कस कर लिया, ताकि यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाए हर जगह। अच्छा, जब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड फॉलो होते हैं, ऐसा नहीं है केवल इंडिया में ही। सो यूनिफॉर्मिटी ना केवल इंडिया के अंदर लाई जा रही है, यूनिफॉर्मिटी अगर मान लीजिए मेरी कोई कंपनी इंडिया में है और मैं उसका कंपैरिजन किसी फॉरेन की कंट्री के साथ करना चाहता हूं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ये कंपैरिजन आसान हो जाता है, क्योंकि दोनों की पॉलिसीज यूनिफॉर्म है, रूल सेम है दोनों के। सेकेंड पॉइंट है टू एलिमिनेट नॉन कंपेरिटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो समस्या हम पहले पढ़ते आ रहे थे कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, चीजों में चेंजेस कर सकेंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। और जबकि हम पढ़ चुके हैं कि कंपैरिजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एंटरप्राइज के लिए। कंपैरिजन से ही तो हम पता लगा पाते हैं कि हमारी जो एंटरप्राइज है वो काम अच्छा कर रही है या नहीं कर रही, या दूसरों के मुकाबले जो हमारे कंटेम्परेरीज है उनके मुकाबले हम कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ताकि आगे की पॉलिसीज डिटरमाइन की जाए। सो कंपैरिजन क्योंकि बहुत जरूरी है और कंपैरिजन करने में समस्या आ रही थी जब फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा थी, सो उस समस्या को दूर करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो एक ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या हो गया, टू एलिमिनेट नॉन कंपेरिटिबिलिटी, ताकि कंपेरिजन आसानी से किए जा सके। लास्ट ऑब्जेक्टिव बताया गया है हमें टू एनहांस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिलायबिलिटी का मतलब जब किसी चीज पे भरोसा किया जाए, और हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अकाउंट्स शुड बी रिलायबल, अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए जिन पे हम भरोसा कर सके। अब अगर उस जितने भी काम होते हैं, मान लीजिए अगर रूल्स के अकॉर्डिंग हो, कानून के अकॉर्डिंग होंगे, तो वो काम सही होने के चांसेस ज्यादा है। अगर काम अपनी मर्जी से कुछ भी कर ले तो उसमें एरर होने के चांसेस ज्यादा है, पर्सनल बाइसनेस होने के चांसेस ज्यादा है। हो सकता है अकाउंटेंट अपनी मर्जी से चीजों को प्रेजेंट करेगा तो वो अपने फायदे के लिए ही तो करेगा, लेकिन अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे जो रूल्स हैं, तो उसमें अकाउंटेंट की फ्रीडम नहीं रहती, अकाउंटेंट को एक स्पेसिफिक तरीके से ही काम करना पड़ेगा। और जब काम एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, एक स्पेसिफिक तरीके से होता है, तो उस काम में एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, पर्सनल बाइसनेस के चांसेस कम हो जाते हैं। पर्सनल बाइसनेस का मतलब होता है जब हम कुछ पक्षपात कर दें, अपनी मर्जी से चीजों को चेंज कर दें। सो इससे क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी को इंक्रीज किया जाए। सो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मतलब पढ़ लिए, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए कि यूनिफॉर्म हो, कंपैरिजन हो और रिलायबल हो। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है बेनिफिट्स क्या क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। देखिए, जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल से मूव होकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आए हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो होंगे, तभी हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। तो बेनिफिट्स क्या क्या फायदे हैं इसके, तो कुछ फायदे तो हम ऑब्जेक्टिव से निकाल सकते हैं। भाई जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस मकसद के लिए इसको इंप्लीमेंट किया गया, हम किसी भी चीज की शुरुआत क्यों करते हैं, ताकि कुछ बेटर रिजल्ट्स आए पहले के मुकाबले, तो बेटर रिजल्ट्स ही तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स से ही हम इसके एडवांटेजेस निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो पहला मेरिट या एडवांटेज क्या हो सकता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज में यूनिफॉर्मिटी आती है। सेकेंड पॉइंट क्या कर सकते हैं कि कंपैरिजन आसान होता है, कंपैरिजन चाहे इंट्रा फर्म कर लो चाहे इंटर फर्म कर लो, ठीक है। थर्ड, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते, तीन पॉइंट आप यही से निकाल सकते हैं।
चलिए डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट बेनिफिट है, हेल्प्स टू एलिमिनेट वेरिएशंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं, क्योंकि ना अकाउंट्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के। जैसे कि हमने बेसिस पढ़ लिया था, कैश बेसिस होता है, एक्चुअल बेसिस होता है। अब कोई अकाउंट तो कैश बेसिस पे फॉलो कर दे और कोई एक्चुअल पे कर दे, रिजल्ट तो दोनों का अलग आएगा। ऐसे ही हर चीज को कैलकुलेट करने के दो चार मेथड होते हैं। हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे, आगे हमारा 10th या 11th चैप्टर है, तो उसमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड है, दोनों से उसका आंसर अलग आता है। अब मान लीजिए कंपनी ए है, वो तो एक मेथड को फॉलो कर रही है, कंपनी बी दूसरे मेथड को फॉलो कर रही है, तो दोनों का रिजल्ट तो अलग अलग आया, फिर उनके बीच में कंपैरिजन करना कहां तक जो है सही है। कंपैरिजन एक जैसे में ही तो किया जाता है। सो पहला बेनिफिट तो ये है कि जो वेरिएशन आते थे, जो डिफरेंसेस आते थे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के, पॉलिसीज के, उनको दूर करने में मदद करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेकेंड पॉइंट की बात करें, इट मे कॉल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन विच मे नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ विच आर यूजफुल फॉर जनरल पब्लिक। देखिए हमने जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे उसमें हमने ये देखा था कि जो इमेटेरियल इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे शो करने की जरूरत नहीं होती, और शो करें भी तो ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कानून के हिसाब से तो ज्यादा जरूरी नहीं है दिखानी एज पर लॉ, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर भी ये कहता है कि उन्हें शो किया जाए, उन्हें डिस्क्लोज किया जाए, क्योंकि उनकी जरूरत जनरल पब्लिक को होती है। हमारे जैसे आम जनता जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती है, इन्वेस्ट करने के लिए हम अकाउंट्स देखते हैं, इन्वेस्टर्स को जरूरत पड़ती है, क्रेडिटर्स को जरूरत पड़ती है। तो एक फायदा ये होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो कानून के रूप में तो जरूरी नहीं है, लॉ मना करता है उनको रिकॉर्ड करने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन भी शो की जाती है अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए तो। जिसका फायदा जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स हैं ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उन्हें मिलता है। हमने इंटरनल एक्सटर्नल यूजर पहले चैप्टर में पढ़े थे। थर्ड बेनिफिट देखें, हेल्प्स टू फैसिलिटेट कंपैरेटिबिलिटी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटर एंड इंट्रा कंपनी। ये पॉइंट तो हमने पढ़ लिया कि कंपैरिजन आसान बना देता है, क्योंकि कंपैरिजन इसलिए आसान बना दिया क्योंकि वेरिएशन कम हो गए, डिफरेंसेस कम हो गए, डिफरेंस कम हो गए तो चीजें आइडेंटिटिकल हो गई, एक जैसी हो गई। जब एक जैसी चीजें हैं तो भाई उसमें जो है फिर कंपैरिजन आसानी से किया जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने का ये कि कंपैरिजन कैसा, इंटर एंड इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म कंपैरिजन तो हमने समझ लिया, कैसे समझा कि भाई कोई ए कंपनी है वो दूसरा मेथड फॉलो कर रही है, बी कंपनी दूसरा मेथड फॉलो कर रही है, तो दोनों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे, उनके बीच में कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इंटर फर्म है, ये इंटर फर्म तो हो गया। इंट्रा फर्म का मतलब होता है जब हम अपनी खुद की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें। कंपनीज अपनी परफॉर्मेंस को भी तो कंपेयर करती है कि भाई पिछले साल कैसी परफॉर्मेंस थी, इस साल कैसी है, ताकि देखे पिछले साल से इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं। तो कई बार अकाउंटेंट, जैसे हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा था ना कि अगर अकाउंटेंट को लगे, हमने उसमें पढ़ा था कंसिस्टेंसी वाले कॉन्सेप्ट में, कि अगर अकाउंटेंट को लगे तो वो मेथड चेंज कर सकता है। तो अगर मान लीजिए दो साल तक तो एक मेथड फॉलो किया अकाउंटेंट ने, दो साल बाद उसे एहसास हुआ यार मुझे मेथड चेंज कर देना चाहिए, मेथड चेंज कर दिया। अब मैं प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को पहले दो साल से कंपैरिजन करूंगा तो वो कंपैरिजन जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि दो साल पहले कुछ प्रैक्टिस फॉलो की जा रही थी, अब कुछ प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है। इस चीज को दूर करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपैरिजन करना आसान करता है। अच्छा, ये पॉइंट्स तो है, अच्छा ये आगे भी पॉइंट्स हैं, ये इसके लिमिटेशंस के, मैं बेनिफिट के एक दो पॉइंट और बता दूं। हमने एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। देखिए मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ बार बार इसलिए कोरिलेट कर रहा हूं क्योंकि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कमियां हैं उन्हीं को दूर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना वो तैयार किए गए हैं। तो अब मैं आपको बता रहा था, हमने एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो ये बताता था कि जो भी चीजें रिकॉर्ड होंगी अकाउंट्स में वो उसकी ओरिजिनल प्राइस पे रिकॉर्ड होंगी। यानी कि मान लीजिए मैंने 10 साल पहले कोई बिल्डिंग 1 लाख की खरीदी थी तो मुझे आज भी उसकी कीमत 1 लाख दिखानी पड़ेगी, बेशक उसकी कीमत चाहे कुछ भी हो।
तो वो एक कमी है, लिमिटेशन ही तो है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस कमी को भी दूर करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि हिस्टोरिकल वैल्यू शो करने के बजाय फेयर वैल्यू शो की जाए। अब फेयर वैल्यू क्या होता है ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, जो आगे जरूरत पड़ेगी तब तो बताऊंगा, आप बेसिक बस बेनिफिट्स देखें इसके क्या क्या है। चलिए ये तो हो गए इसके फायदे। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसमें सिर्फ और सिर्फ फायदे ही हो, नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान की अगर बात करें तो क्या क्या नुकसान है, पहला पॉइंट लिमिटेशन, कमियां क्या क्या है। पहली चीज ये है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक्स चॉइस बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सेम आइटम, दिस मे कॉज द इंफॉर्मेशन इनकम्पेरेबल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने चॉइस करने की भी अपॉर्चुनिटी दे देता है कहीं कहीं पे, कि ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिचुएशन के हिसाब से ये थोड़ा बहुत, हम ये तो नहीं कहते कि बिल्कुल ही रिजिड है, इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के चांस ही होते हैं कि ये, जैसे मान लीजिए चार मेथड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, तो चार में तो बहुत ज्यादा चॉइस होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये कह सकते हैं कि भाई चार की बजाय बस ये दो मेथड है, इन दो में से आप कोई भी फॉलो कर लो, लेकिन चॉइस तो फिर भी करनी पड़ रही है। हाँ, पहले जितना डाइवर्जन नहीं होगा, लेकिन डाइवर्जन के चांसेस अब भी तो हैं, अब भी तो डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो कमी तो वही रहेगी इनकम्पेरेटिबिलिटी की। सेकंड चीज हमने ये पढ़ा है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, ये रिजिड है, रिजिड का मतलब इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। अब अगर कोई चीज ज्यादा चेंज नहीं कर सकते तो इसका मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि सिचुएशन अलग अलग ही तो होती है। अब मान लीजिए रूल्स बना दिए अमेरिका में, अमेरिका की सिचुएशन अलग है, इंडिया की अलग है। अब उन रूल्स को हम एज इट इज इंडिया में कैसे फॉलो कर दे, सॉरी इंडिया में एज इट इज कैसे फॉलो कर दे। तो कोई भी चीज जब रिजिड होती है, अब आपको भी मान लीजिए एक फिक्स चीज कह दे कि आपको यही काम करना है, यही काम करना है, तो आप हो सकता है उस चीज को ना करो, तो वही चीज यहाँ पे फॉलो होती है। अगर कोई चीज ज्यादा रिजिड हो जाती है, उसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी के चांस ना दें, तो उसका इंप्लीमेंटेशन जो है ना वो मुश्किल होता है। दूसरी चीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट। इसका मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, उनको तो फिर भी ओवरराइड नहीं कर पा रही। यानी इंडिया में अगर कोई रूल है और अमेरिका में कुछ और रूल है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा तो है नहीं कि एक रूल बना दिया उसी को दोनों देश में फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि तो हमने पढ़ा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो तो होंगे, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसी भी कंट्री के लॉज के अगेंस्ट फॉलो नहीं हो सकते। तो किसी इंडिया का अलग कानून है, अमेरिका का अलग कानून है, तो फिर भी वही डाइवर्सिफिकेशन तो आ गया इनके बीच में। तो ये इसकी कमियां हैं। अब देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कहाँ कहाँ होते हैं। तो आपके जितने भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आप बिजनेस में भी पढ़ रहे होंगे, सर ने पढ़ाया है सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, सोसाइटीज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज, ये हर जगह एप्लीकेबल होती है। चलिए हाँ, अब क्या है, हमने ये तो पढ़ लिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स हैं जो कि फॉलो किए जाएंगे। अब ये रूल्स ऐसा तो है नहीं कि भगवान बना के देगा, ये अपने आप बने हुए आएंगे, बनाने तो पड़ेंगे किसी को। तो इन रूल्स को बनाने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसे हम IASB के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इनका मेन मकसद क्या है, इससे आपका एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा, बस कि IASB का मेन काम क्या है। IASB का मेन काम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करना। जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो प्रिपेयर होते थे, उनका पूरा नाम क्या था, उनका पूरा नाम था जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ऐसे ही इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पूरा नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS। दीज आर द ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी पूरे वर्ल्ड वाइड इन रूल्स को फॉलो किया जाता है, ऐसा नहीं किसी लिमिटेड कंट्री के लिए, हर जगह इनको फॉलो किया जाता है। अच्छा, ये तो ऐसी संस्था जो पूरे वर्ल्ड के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट करती है, लेकिन इंडिया में ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो अपने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी क्रिएट करता है। एक तो आपके US के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, एक इंडिया के अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। हालांकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इन्हीं के बेसिस पे क्रिएट किए गए, मामूली सा कोई एक दो जगह चेंज है। जैसे कि आपकी जितनी भी बुक्स है, मान लीजिए हम VK पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं, अब ये VK पब्लिकेशन की बुक बनी तो NCERT के बेस पे ही है, कुछ हल्के फुल्के चेंजेस है, चीजों को थोड़ा सा और बेटर वे से समझा है। ऐसे ही इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं,
वो उनका बेस तो यही है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया है। सो इंडियन स्टैंडर्ड्स अलग है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को तैयार करते हैं IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, और इंडिया वालों को करते हैं ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। चलिए अब ये है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है ये क्या है, तो जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे वही है कि दीज आर द सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि किस तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसे किस प्रकार से प्रेजेंट करना है, रिपोर्ट करना है, उससे रिलेटेड है, मेनली रिपोर्टिंग से रिलेटेड है कि चीजों को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बिजनेस का जो रिजल्ट निकाला जा रहा है, जो उसकी वैल्यूएशन की जा रही है, वो वैल्यूएशन ट्रू एंड फेयर हो। ट्रू एंड फेयर का मतलब उसमें कोई भी धोखाधड़ी ना हो, कुछ भी गलतियां ना हो, एरर्स ना हो, कोई भी बायसनेस ना हो, रिजल्ट जहां तक हो सके बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है। जरूरत क्या पड़ी IFRS की, जरूरत ये पड़ी कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में ना बहुत सी कमियां हैं, लूप होल्स हैं, जिसका फायदा उठा के अकाउंट्स में चेंजेस किए जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत करते हैं और यही तो रीजन है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतने पैसे मिलते हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अकाउंट्स में चेंज करता है वो कानून के अगेंस्ट जाके नहीं करता है। अकाउंट्स में इतने लिमिटेशन है कि वो अकाउंट्स स्टैंडर्ड को या अकाउंट लॉज को फॉलो करते करते अकाउंट्स को इस तरीके से प्रेजेंट कर देता है कि जिसके लिए अकाउंट तैयार कर रहा है उसके लिए फायदा हो जाता है, टैक्स बच जाता है, इसलिए CA की कमाई बहुत ज्यादा होती है। सो मैनिपुलेशन कम हो, गलतियां कम हो, उसमें विंडो ड्रेसिंग कम, हमने विंडो ड्रेसिंग का टॉपिक पढ़ा था ना, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अकाउंट्स में चेंजेस इस प्रकार से करना है कि वो हमारे फेवरेबल हो जाए। इन चीजों को दूर करने के लिए, दूर मतलब बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते, कम से कम करने के लिए IFRS की जरूरत थी। यूनिफॉर्मिटी और कंपेटिटिविटी है, ये तो ऊपर पढ़ते ही आ रहे हैं हम। अच्छा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट या फिर एक ग्लोबल रिलायबिलिटी बने, क्योंकि IFRS मैंने आपको बताया ग्लोबली फॉलो होते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड फॉलो होते हैं, तो ये अगर कोई चीज पूरे वर्ल्ड में फॉलो हो रही है तो उस पर लोगों का भरोसा ज्यादा होता है, वो ज्यादा रिलायबल होते हैं। चलिए ये ही था हमारा आज का टॉपिक, ये GST का टॉपिक तो आपका लास्ट का चैप्टर है, लास्ट मतलब बहुत एंडिंग में चल के, यही थी हमारी आज की क्लास जिसमें बेसिकली हमें IFRS के बारे में जानना था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में जानना था। ये आपका फिफ्थ चैप्टर था, फिफ्थ चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर छोटे छोटे से आपके थ्योरी के थे, बीच में कुछ कुछ चैप्टर्स और थ्योरी के रहते हैं। अगला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, वहां से थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन आपका स्टार्ट होगा और बहुत मजा आएगा प्रैक्टिकल पोर्शन करने में। अब तक आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था, हमने जितनी भी क्लास ली है इनमें आपका बेस तैयार हो गया है, आपको बेसिक चीजें पता चल गई है कि कैसे कैसे अकाउंट तैयार होंगे। अगली क्लास जो लेंगे उसमें हम जो प्रैक्टिकल करना है स्पेसिफिकली उसका थोड़ा सा और बेस तैयार करेंगे, फिर प्रैक्टिकल पोर्शंस को स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही था, दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।